हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और देखिए, ईडा ओवर प्राइस प्रॉपर्टी का उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि 18 अक्टूबर को जो ईडा के रिजल्ट आए लकी ड्रॉ के, 1184 प्लॉट जो का लकी ड्रॉ निकला, उसके बाद से ईडा प्रॉपर्टीज़ का उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। देखिए, सिंपल सी बात मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में सुना हो तो मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक मार्केटिंग में एक प्रोसेस होता है प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस होती हैं। पर्टिकुलर ईडा की प्रॉपर्टीज़ भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही है जिसको बायर खरीदता है, और किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की चार स्टेजेस में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट राइज होता है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की स्टेज आती है, उसके बाद ग्रोथ, और उसके बाद मैच्योरिटी और डिक्लाइन। तो देखिए, ईडा प्रॉपर्टीज़ जब लॉन्च हुई उसके बाद ग्रोथ पकड़ा उसने, और आज के टाइम में वो मैच्योरिटी लेवल को टच कर गई है। मतलब इतना ज़्यादा हाईली उसकी मार्केटिंग पब्लिसिटी की गई जेवर एयरपोर्ट के नाम पे कि वो मैच्योरिटी स्टेज को टच करने के बाद उसको डिक्लाइन की स्टेज पे जाना ही जाना है। लोग मुझसे कहते हैं कि प्रॉपर्टी के रेट कभी नहीं गिरते। जी हाँ, डेवलप्ड एरिया में प्रॉपर्टी के रेट कभी भी नहीं गिरते, लेकिन अनडेवलप्ड एरिया जैसे ईडा है आज की डेट में, जहाँ पे ग्राउंड पे कोई बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल है ही नहीं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए बात कर रहा हूँ ये मैं, बेसिक फैसिलिटी, बेसिक एमिनिटीज जैसे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, मॉल, जो आदमी को डेली रहने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो कोई फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और प्राइस हाइप क्रिएट कर करके प्राइस को वहाँ पहुँचा दिया गया है जो वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डिजर्व ही नहीं करती। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ के रेट बिल्कुल गिरते हैं। और ईडा का अगर आप इतिहास देखेंगे तो आपको ही पता चलेगा कि ईडा जब लॉन्च हुआ था उस टाइम पे क्या रेट थे। जब ईडा इनिशियल लेवल पे लॉन्च हुआ था 4700 के समथिंग रेट थे उस टाइम, उस रेट पे अलॉट हुआ था पर स्क्वायर मीटर का 4700 का रेट था, 4700 का रेट, और 1200-1300 रुपये शायद बाद में किसानों को देना पड़ा, तो 6000 के रेट पे प्रॉपर्टी अलॉट हुई थी। और लास्ट जो स्कीम अभी जो 18 तारीख को जो रिजल्ट आया है उसमें जो गवर्नमेंट के रेट लगे हैं वो 24600 रुपये रेट लगे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या इतना जो रेट मांगा जा रहा है वो डिजर्व करती है यहाँ की प्रॉपर्टी। एयरपोर्ट की जो बातें की जा रही, देखिए एयरपोर्ट बनने के बाद तो वैसे भी लोग एयरपोर्ट के आसपास रहना प्रेफर ही नहीं करते हैं, क्योंकि जिस तरीके के फ्लाइट और जो शोर शराबा जो होता है लोग प्रेफर नहीं करते ऐसी जगह के आसपास। इसका एग्जांपल द्वारका है, और द्वारका में भी रेट एयरपोर्ट बनने के बाद डाउनफॉल पे आए थे। तो लोग मुझसे कहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी प्रॉपर्टी है अभी वहाँ पे, उन्हें ये लगता है कि उसका प्राइस बिल्कुल आसमान को छू जाए। देखिए, मेरा काम लोगों को सही चीज़ बताना है, एक मार्केट में आए हुए नए बायर को सही जगह पे प्रॉपर्टी में कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, वो बताना है, ना कि मेरा काम आप लोगों को खुश करना है। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं करता हूँ कि जो मैं ईडा की तारीफ कर दूँ झूठी भर भर के। मेरे पास प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं ईडा में बेचने के लिए, क्योंकि मार्केट में हम भी बैठे हैं तो हमारे पास भी डील्स होती हैं, लेकिन हम पहले लोगों को हकीकत बता देते हैं कि भाई यहाँ करने में फ़ायदा है या नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, देखो आप का पैसा है, आपको कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना वो आपकी मर्जी है। हमारा काम है सिर्फ एडवाइस करना, मैं वो एडवाइस कर देता हूँ, और वो भी हम प्रोफेशनल एडवाइस देते हैं, प्रीमियम कस्टमर को सर्व करते हैं, प्रोफेशनल एडवाइस देते हैं। ये नहीं करते कि भाई ज़बरदस्ती हम आपको अपनी तरफ से फ्री में एडवाइस देते रहें वीडियो के थ्रू आम पब्लिक को, क्योंकि एक मैसेज देने का मेरा काम है, इसलिए मैं जेन्युइन तरीके से बताता हूँ। और देखिए, ईडा में अगर प्राइस, जैसे मैंने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस बताई कि इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डेक्लाइन, तो इंट्रोड्यूस होने के बाद ग्रोथ पकड़ी उस मार्केट ने। आपने भी देखा कि 30,000-40,000 जो मार्केट रेट, 50,000-60,000-70,000 का रेट पहुंच गया, इवन 80,000 भी कुछ लोग डिमांड करते हैं, कुछ लोग 85,000 रुपए का भी डिमांड कर रहे हैं, मतलब 2,55,00,000-60,00,000 की भी डिमांड कर रहे हैं। ये ओवर प्राइस प्रॉपर्टी ही है, ये मैच्योरिटी को ले के लेवल पे पहुंच चुकी प्रॉपर्टी, और ये अब डाउनफॉल पे पिछले 5-10 दिनों में जो हमें समझ में आ रहा है रेट अब वापस डाउनफॉल पे आ रहा है, क्योंकि देखिए 1184 जो प्लॉट भी निकले हैं ना उसमें भी 90% लोग अपनी प्रॉपर्टी
सेल करने के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, जिनका निकल आया वो लोग चाहते हैं कि 10 15 20 25 लाख रुपए प्रीमियम पाके वो प्रॉपर्टी निकाल दें, तो उनकी प्रॉपर्टी भी मार्केट में आ गई है। लेकिन लोग महंगी प्रॉपर्टी क्यों खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे आपकी 70-80 हज़ार रुपये की प्रॉपर्टी, कंप्लीशन हुआ नहीं है। मैंने जैसे पहले बताया 5% प्लॉट्स का भी कंप्लीशन नहीं हुआ, 1-3% प्लॉट्स का कंप्लीशन हुआ। अभी देखिए कंप्लीशन का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे लोग कंप्लीशन भी करा लेंगे तो भी अगर लोग रहेंगे नहीं तो वहाँ कौन रहना प्रेफर करेगा। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स इवन ग्रेटर नोएडा में भी हैं जहाँ पे जैसे सिग्मा 2 का एक सेक्टर है, वहाँ पे 40% ही लोग रहते हैं अभी, कंप्लीशन तो 100% ऑलमोस्ट 100% एरिया का हो रखा है, तभी वहाँ के रेट कम है। लेकिन वो सिटी के बीच में, एक डेवलप्ड सिटी के बीच में सेक्टर है, इसलिए उस सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट है। ईडा के सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22 डी, इन सबको बसने में बहुत लंबा समय लग जाएगा और ये प्रॉपर्टी अभी ये रेट डिजर्व नहीं करती हैं। 40-50 हज़ार का जो मैंने पिछले वीडियोस में रेट बताया वही रेट डिजर्व करती हैं और वहीं पे ये पहुंचेंगी। अगले एक साल के अंदर देखिएगा आप, रेट वहीं वापस पहुंचेगा, क्योंकि देखो बायर भी, अल्टीमेट बायर को भी आप कब तक बता सकते हो कि जी ऐसा होगा तो वैसा होगा तो ऐसा होगा तो वैसा होगा, वो भी आंखें खोल के ही काम करेगा ना। हाइप क्रिएट कर करके जो सिचुएशन पहुंचाई गई है वो कहीं ना कहीं, तो बैलून जो मैंने पहले बताया था कि बैलून कहीं ना कहीं फूटेगा ही फूटेगा, तो ये बैलून फटेगा ही। और मैं अपनी तरफ से हमेशा सही एडवाइस देने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपको कोई भी क्वेरी है प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो आप मेरे साइड मेरे नंबर दिए गए होते हैं, आप मुझसे बात करिए, प्रोफेशनल एडवाइस मैं दूंगा। प्रीमियम कस्टमर्स के लिए हम काम करते हैं, हम आपको सही एडवाइस देंगे कहाँ क्या इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। बाकी आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और लाइक और शेयर भी करिए मेरे वीडियोस को। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे।